देता। So actually the basic thumb rule they say is that eat seasonal foods. Seasonal, that's what. It's because like we don't know the season, na? What about banana? तो फिर जैसे हर season आता है। हाँ, banana अभी जो banana है, थोड़ा ठीक है, actually dots आना। Dots आना चाहिए। वो तो ठीक है मतलब बट खाओ उसको 12 महीने सकते हैं ये थोड़े ऐसे फ्रूट से वो कल्प वृक्ष है लाइक उसका भी एक 3-4 मंथ्स नहीं आएगा बनाना अभी तो आ रहा है बहुत बढ़िया अभी तो आ रहा है तो अभी सीजन में भी खा सकते हैं मतलब अभी के लिए बनाना सेब और छोटा नाशपाती आ रहा है हाँ नाशपाती मौसम एक्चुअली मौसम भी ऐसा बात है सिट्रिक फ्रूट्स आते हैं अभी तो फिर ठंड जैसे ठंड हो जाएगी फिर वो गला नहीं पकड़ेगा ज्यादा आते पर गला नहीं पकड़ते नहीं। एक एक इम्पोर्टेंट है जो आपको जो सर्दी होता फ्रूट से ना वो डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम है ओके उसके लिए आप नहीं छोड़ना लाइक जो टॉक्सिन है वो निकल जाता अगर सिट्रिक फ्रूट खाने से हो भी रहा है तो हमारी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए In the foreign countries, sir, they say the moment you have cold, they tell you to take 1 dozen of moussami immediately. Exactly. They say that to take high dose of vitamin C. I take lemon butter. Lemon water. There's a lot of clash, you know, that you read in Ayurveda. They say don't look at lemon when you have cold and all. lemon again will not come throughout the year. Yes. Summer mein lemon juice nahi peene ka zarur nahi. Actually, महंगा भी रहता इट विल नॉट कम इन समर एक्चुअली विंटर में आएगा सिट्रिक पूरा हाउ डू यू एप्पल्स आफ्टर द रेन देयर आल्सो अचार दिस अचार ही होता दिस इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ इट्स एक्चुअली एंड ऑफ एंड हो गया अभी तो एंड सी एप्पल्स का भी ना ऑलमोस्ट एंड दिस इज दिस सेशन ग्रो इन आवर रीजन So this fruit is from Chamba, it doesn't grow in Haan, it will not grow. Still, we can get the nutrients out of it. Some fruits we have to consume because of the nutrients as well. मेरे हिसाब से फिर तो देखा जाए तो सारा कुछ अचार ही खाना चाहिए तो वो ज्यादा सही रहेगा हमको एक ना एक तो फ्रूट आता नहीं, नहीं वो तो है वैसे कह रहा हूँ मैं जैसे हम रोटी भी खाते हैं हाँ। तो देखा जाए तो सब्जी भी अगर रखते हैं पता है कि ज्यादा बाहर से आ रही तो उसको भी हम अचार के साथ रोटी भी खा सकते हैं The rural lifestyle. Mm. So there were times when we used to just eat dal and chutney and the chicken. तो एक अचार बनाने के लिए पहला 1:1 sugarcane pieces लेना 3:3 गुड़ sugarcane गन्ने का जो है pieces लेना 3:1 गुड़ 1:1 sugarcane pieces 3:1 गुड 10:1 पानी 20:1 कंटेनर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन 1:1 शुगरकेन पीसेस 3:1 गुड 10:1 पानी 20:1 कंटेनर वो डालने के बाद गैसेस आएगा गैसेस को रिलीज करना फिर उसके बाद 10 डेज तक गैसेस ज्यादा रहेगा फिर उसके बाद गैसेस कम होगा सो 20 डेज के बाद फिल्टर कर लीजिए कपड़ा में फिर एक बॉटल में रख लीजिए वो आपको 10 दिन के बाद वो सिरका जैसा बन जाएगा गुड़ का सिरका शुगरकेन का सिरका बना सकते हैं मगर मैं जब बनाया मेरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था थोड़ा ऑल्कोहलिक बना तो मुझे पसंद आया वो सो ये जो है अरिष्टा जैसा हुआ गुड़ का 20 डेज के बाद उसको छानना क्लॉथ में फिर एक बॉटल में रख लीजिए वो गैस वाला सिस्टम इसमें भी है हाँ सब में फर्मेंटेशन तो बनता रहेगा गैस बनती रहेगी नहीं नहीं एक बस वो 10 डेज में गैस बनता फिर और 10 डेज में गैस कम होते रहेगा 20 दिन के बाद फिल्टर करके बॉटल में रख लीजिए और एंजाइम्स उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं नहीं वो स्टेबल हो जाता अरिष्टा जैसा बनता 20-22 दिन मतलब दो चार दिन क्लॉथ फिल्ट्रेशन जो फाइबर्स उसमें शुगर केन पीसेस में जो फाइबर्स है उसमें माइक्रोब्स रह जाते हैं ओनली आपको लाइक अरिष्टा निकाल देते हैं उसमें फर्मेंटेशन स्टेबलाइज हो जाता है एंड रूम टेम्परेचर हाँ नॉट ऑन अंडर डायरेक्ट सन शुगर केन पीसेस में गंडेरी होती है हाँ जी गंडेरी गले के गले सो वो रख लीजिए एक बॉटल में वो साइड में रख के एक्चुअली ये अरिष्टा जैसे रहता इसमें अगर आमला दर है आमला रिश्ता वो सब वैसा ही बनाते एक सिंपल मेथड में मैं बताया कितनी देर रख सकते हैं ये आपको रहेगा करा हमेशा हाँ
सो ए होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, 1:5 5:good 1/10 दसवां हिस्सा ये जो गुड का अरिष्टा बना उधर 5:good 5:good और 1/10 गुड का अरिष्टा वो मिक्स करके रखना 10 दिन आपको गैस आएगा फिर और एक 10 दिन में गैस का कंप्लीट हो जाएगा सो 20 दिन में आपको ये ऑलरेडी कंसिस्टेंसी जागरी सिरप जो है वो कंसिस्टेंसी थिक रहता ना सो इसमें जो अरिष्टा डालते उसमें माइक्रोब डालते वो आपको फर्मेंट करता जागरी को और प्रिजर्व करता शहद जैसा आपको खाए तो भी शहद जैसा रहता स्मेल भी शहद जैसा जागरी कल्चर्ड जागरी जैसा बन जाता कल्चर जैगरी हो गया ना ये खा सकते भी अच्छा के बाद आप यूज कर सकते चटनी के अभी इसके बाद अभी ये डाले ना लाइक अदरक में इसमें डाल दिया हाँ 1/10 इसमें डाल दिया अभी एप्पल जूस किया एप्पल पल्प किया वो डाल दिया नहीं तो बेल किया वो डाल दिया कितना रेशो है मिर्ची 1/10 मतलब जैसे 1 किलो वो है तो 100 ग्राम ये डाल दिया मतलब 1 किलो जैसे बेल का हाँ, वो गुद्दा है हाँ, तो 100 ग्राम ये डाल दिया हाँ, और वो पेस्ट बन गया उसको ऐसे सॉस खा सकते मिक्स कर सकते 10 डेज में स्टेबल हो जाता पहला गैसेस आएगा